मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आरसीबी ने आईपीएल इतिहास में 263 रनों का रिकॉर्ड बनाया था और वो रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया मुंबई इंडियंस के खिलाफ। देख लिया ना भाई हार्दिक पांड्या की कप्तानी, कमाल का बंदा है यार, गजब का कप्तानी करता है। अगर वो इसी तरह कप्तानी करता रहा तो मुंबई इंडियंस ट्रॉफी तो क्या एक मैच भी नहीं जीत पाएगी। आप खुद ही देखो ना यार, शुभमंगिल एक नौजवान लड़का जो कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ही पला बड़ा है और उसी ने हार्दिक पांड्या को हरा कर भेज दिया, वो भी 169 रनों का टारगेट देख। शाबाश बेटा। और यहाँ हैदराबाद के खिलाफ तो 278 रनों का लक्ष्य था। मैं तो पहले ही बोल दिया था कि इस मैच को जीत पाना हार्दिक पांड्या के बस की बात नहीं है। क्या बोला तूने? अगर हार्दिक पांड्या को खिलाना ही था टीम में तो रोहित शर्मा की कप्तानी में ही खिलाते, क्या जरूरी था बाहुबली से छीनकर भल्लाल देव को राजमुकुट पहनाने की। भारी मिस्टेक हो गया सर। ऐसा बात नहीं है कि मुंबई इंडियंस में ताकत नहीं है, बहुत ताकत है यार, 5-5 ट्रॉफी लेकर बैठा है, ऐसे ही नहीं है वो। लेकिन हाँ, इस टीम की ताकत का इस्तेमाल करना सिर्फ रोहित शर्मा ही जानते हैं। वो कहावत है ना एक, जिसका बांदर वही न चाहे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तो कहता हूँ हार्दिक पांड्या से कप्तानी लेकर वापस रोहित शर्मा को दे दो, तभी मुंबई इंडियंस का कुछ हो पाएगा, नहीं तो जो आएगा धोकर चला जाएगा। क्या बोला तूने? आपके पास रोहित शर्मा, ईशान किशन जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं और नंबर वन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, आप इसे ना भेजकर आप खुद चले जाते हो गेंदबाजी करने। आप कप्तान हो, आप देखो कि ये कौन सा खिलाड़ी बेहतर है। आप कप्तान हो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही बल्लेबाजी करोगे, खुद ही गेंदबाजी करोगे। आपसे अच्छे अच्छे बल्लेबाज बैठे हैं पवेलियन में और आप खुद ही बल्लेबाजी करने लग जाते हो। अगर तुम नहीं जानते हो कौन सा खिलाड़ी बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है तो रोहित शर्मा से पूछो ना यार, क्यों तुम टीम की बेइज्जती करवा रहा है। कितनी मशक्कत के बाद रोहित शर्मा ने टीम को शिखर तक पहुंचाया है और एक ये हार्दिक पांड्या है जो कि सीधे जमीन पर लाकर पटक देता है। अब तो अंबानी जी को भी एहसास होता होगा कि रोहित शर्मा ही सही था, उसे कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल क्रिकेट फॉर विकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी हर इंटरेस्टिंग वीडियो और इम्पोर्टेंट खबर मिलता रहे। और आप कमेंट में बताइएगा आपका फेवरेट टीम कौन सा है। खाना पीना खा लिए हैं, बैठे हैं स्टूडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।